एक दो तीन चार। पूरा एक घंटा सफर खत्म होने के बाद गैस पहुंच गए। कहाँ गरम है यार बिल्कुल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, फिलहाल आज सुबह के बज रहे हैं 9:45, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है गाइस। मेरे को आज निकलना है गाइस यहाँ से बरेली। मैं कुछ अपने कुछ काम से जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ा जिम का काम है और थोड़ा एक दोस्त से भी मिलना है मेरे को गाइस। तो थोड़ा अर्जेंटली मेरे को निकलना पड़ रहा है, अर्जेंटली मतलब निकलना पड़ रहा है गाइस, और थोड़ा इमरजेंसी में भी कह सकते हो, और थोड़ा अपना भी काम निपटाना है गाइस। तो चलो फटाफट कर लेते अपना ब्रेकफास्ट गाइस, ट्रेन से जाएंगे, स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। चेंज तो मैंने कर लिया, रेडी भी मैं हो गया और जिम भी होके आ गया गाइस मैं। तो चलो फटाफट रेडी हो लेते हैं और जैकेट वगैरह डालते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली स्टेशन। पूरा एक घंटा सफर खत्म होने के बाद गैस पहुंच गए शाहजहानपुर, और शाहजहानपुर से अब सफर बचा बरेली का। एक घंटा पूरा हो गया सफर करते, और शाहजहानपुर से मैंने अपने लिए केक भी खरीद लिया। अब बरेली पहुंच के मिलेंगे आपसे बरेली। गाइस फाइनली आ गए अपनी मंजिल पे जहाँ पे आना था, और मैं आगे चल के ही व्लॉग में आपको बताऊंगा क्यों आना यहाँ पे पड़ा, क्या रीज़न रहा। तो खाटू श्याम जी के द्वार आए मनोना धाम बरेली में गाइस। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। मंदिर में दर्शन करने से पहले गाइस अर्जी लगानी पड़ती है, तो अर्जी भी लगा दी अपनी। अभी दर्शन करेंगे बाबा श्याम जी के, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं गाइस। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंदिर निर्माण में सहयोग करते रहे, जो भी आपकी स्वेच्छा है मंदिर निर्माण में जरूर सहयोग करें। तीन बजे के लाइन में लगे हुए गाइस, अब जाके महाराज जी के दर्शन भी हो गए, आशीर्वाद भी ले लिया। और मेरे पीछे आप लोग लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। ये अच्छा हुआ था कि टाइम पे हम आ गए, और टाइम पे ही अपना दर्शन भी कर लिए श्री खाटू श्याम जी के, और श्री महाराज जी के भी दर्शन कर लिए गाइस। पीछे देखो लाइन, देखो गाइस आप लाइन, बहुत जल्दी काम हो गया हमारा, बहुत जल्दी जल्दी क्या, तीन बजे से लगे भी तो थे गाइस, इसी वजह से जल्दी हो गया गाइस। दर्शन तो हो गए यहाँ पे पूरा, मतलब तीन बजे से निकले तो सुबह के थे 11:30 बजे के, दर्शन हो गए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ा टाइम वगैरह जो भी लगा, लेकिन हाँ दर्शन अच्छे हो गए। तो फिलहाल अब शाम के बज रहे 6:30 गाइस, और यहाँ से ऑटो बुक कर लिया है स्टेशन चलने के लिए। तो यहाँ से 45 या 46 किलोमीटर तो स्टेशन पहले जाना है बरेली, और अभी तक गाइस कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो स्टेशन पे देखेंगे। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कैसे करूँगा, बट मैं बैटरी बचा रहा हूँ। अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ रखा था, फिर से ऑन किया। तो चलो ऑटो वगैरह में बैठते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली बरेली, और फिर ट्रेन भी पकड़नी है हरदोई के लिए। शाम को इस हिसाब की मार्केट लगती है यहाँ। जय बाबा श्याम, सब पे कृपा बनी रहे, सब राजी खुशी रहे, सब स्वस्थ रहे। तो एंट्री है ना उसी के उस साइड पे ऑटो है। मैं गाइस थक गया हूँ, रियली बता रहा हूँ, मतलब लाइन में खड़े रह रह के थक गया, लेकिन श्याम जी ने इतना आशीर्वाद दिया था तो हिम्मत नहीं हारी, बट हो गया, आशीर्वाद मिल गया, पूजा हो गई बढ़िया से, और क्या चाहिए। और मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरी मार्केट है, मार्केट मतलब इतनी कुछ खास नहीं है, वही पूजा की सामग्री वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये है,
मेरे को गाइस ट्रेन भी पकड़नी है ना, हरदोई भी जाना है, इस वजह से मैं रुक नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो ऑटो पकड़ते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली बरेली के स्टेशन पे, मिलते हैं आपसे, पहले ऑटो में मिलेंगे। देसी बादाम ले लिया गाइस मैंने, टाइम पास जिसको बोलते हैं, मूँगफली पैक कर दो भाई। ठंड बढ़ गई है गाइस, ठंडे होने के कारण अपनी चाय भी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ की। कहाँ गरम है यार, बिल्कुल चाय फालतू में पकड़वा दी, दे दी एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। चाय जो दी ना एकदम ठंडी दी है भाई, चाय मांगा पानी नहीं है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। सब ठंडा हो गया है, जैकेट डाल दो वरना तबीयत खराब होगी। चाय तो पी चुके, चलो ऑटो में बैठते हैं, टाइम काफी हो गया, 7 बजने आ रहा है। यहाँ से भैया कितनी दूर है स्टेशन? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर जाना है गाइस, 45 किलोमीटर, फिर वहाँ से चलेंगे हरदोई। आराम आराम से पहुँचा देना भैया, जल्दी ना करना, रात का समय है, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस। चलो बैग भी अपना डाल दिया। अब गाइस मैं क्या करूँगा ना, फ़ोन को थोड़ा ऑफ करके पावर बैंक लेके आया था, उसी से अब थोड़ा चार्ज पे लगा देंगे। बैग ये काम आ जाता मेरे को काफ़ी, इसमें चार्जर, ये देखो डाटा केबल हो गया, चार्जर हो गया। बोलो जय श्री श्याम, हारे का सहारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऑटो गाइस चल गया अपना, रात का सफर अब रहेगा सुहाना। फाइनली पहुंच गए बरेली जंक्शन। टिफिन में गाइस चूरमा बचा था, चूरमा खा रहा हूँ गाइस। चूरमा खा के तो मैंने पेट भर लिया, बट मैंने जो सुबह जब मैं आ रहा था ना हरदोई से बरेली तरफ, तब मैंने केक गाइस लिया था, और ये केक देखो वैसा का वैसा ही रखा है, ये देखो, बट पैकिंग खुल गई गाइस। आज क्या था, ट्यूसडे था और दर्शन करने जा रहे थे गाइस, क्योंकि इसमें एग भी इंक्लूड था गाइस, तो फिर मैंने इसको आराम से इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन पैकेट खुला उसके बाद मेरे को इमिडिएटली पता चल गया, ये बात अच्छी हो गई गाइस। तो एक एक वैसा का वैसे रखा, ये मैंने नहीं खाया, इसको कल खाएंगे, फेंका भी नहीं बट कल खाएंगे गाइस। 10:15 पर ट्रेन है गाइस, 10 मिनट लेट आ रही है, तो अभी 9 बजा है, अभी मेरे को 1.25 घंटा यहीं पर बिताना है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ गाइस, बट मैं सोच रहा हूँ अपनी एडिटिंग कर लूँ आज का जो भी मेरा व्लॉग है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। और स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा है, देखो उस साइड भीड़ ज़्यादा है, मैं एकदम साइड अपनी जो प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आएगी ना गाइस, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे गाइस घूम रहा हूँ, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, देखें कब आती है ट्रेन, अभी तो 1.25 घंटा तो बाकी ही है। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद आ गई अपनी ट्रेन। तो गाइस फाइनली इतना खतरनाक सफर झेलने के बाद आ गए अपने ई रिक्शे पे, सुकून मिल रहा है यार। आप लोगों ने तो देखा ही होगा व्लॉग में कितनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी यार, आना भी मेरा जरूरी था गाइस, मेरे में इतनी हालत नहीं बची कि मैं व्लॉग एंड करूं, पर मैं घर पे करूंगा व्लॉग एंड। 1:15 बज रहा है गाइस, अब 1:15 बजे देखो चाय बनवाई मैंने गाइस, चाय वगैरह तो अपनी कंप्लीट कर ली है, बट गाइस रियली बता रहा हूँ इतना थक गया हूँ ना मैं, आपको बता नहीं सकता गाइस, मेरी व्लॉग एंड करने की हिम्मत नहीं हो रही गाइस, बट करना तो पड़ेगा गाइस। तो आज का व्लॉग गाइस जो भी रहा हो, आज सडनली मेरा प्लान बना था मनोना धाम जाने के लिए गाइस, वहाँ के दर्शन करने के लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा गाइस, रियली बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम गया ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा गाइस। आप लोग को भी मौका मिले तो एक बार जरूर जाइएगा गाइस, वहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें आप लोग को
नई नई चीजें एक्सपीरियंस हो गई, तो मेरे को काफी अच्छा लगा, रियली बता रहा हूँ गाइस। मनोना धाम काफी अच्छा लगा गाइस, महाराज जी ने आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से दिया। सफर तो मेरे लिए काफी हेप्टिक रहा, आप लोगों ने देखा भी है ब्लॉग में। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग को मैं ये पे एंड करूंगा गाइस। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स कंटिन्यू मिलते रहे गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर।